आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर और इस ब्रह्मांड के अंदर विराजमान उस अनंत अनंत गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर जिसके ऊपर इस संसार के अंदर जितने भी गुरु हुए, क्योंकि इस धरा के ऊपर समय समय के ऊपर गुरु जगाने के लिए आते रहते हैं। बिना गुरुओं के हमें न परमात्मा का पता चलता, न रास्ते का पता चलता, न ध्यान का पता चलता, न मंजिल का पता चलता। किसी भी प्रकार से जब जीव समझने का प्रयास करता है, रास्ता खोजने का, मार्ग ढूंढने का, जब तक इस धरा के ऊपर संत नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, तब तक तो जीवों को यही नहीं पता चलेगा कि हमें कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परमात्मा नाम की कोई ताकत है या नहीं है, उनका कुछ प्रभाव होता है नहीं होता है, आत्मा की सत्ता है नहीं है, कुछ भी किसी न किसी माध्यम से जीव, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकें भी संतों के द्वारा रची गई हैं, वो वहाँ से जुड़े, जो जो शब्द आए, जो जो वाणियाँ आई, उन्हीं के द्वारा जो उन्होंने कलमबद्ध किया, वो सब कुछ आने वाली पीढ़ियों के काम आ रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। संतों का जो रहस्य होता है बहुत गहरा, क्योंकि संतों के साथ पूरी उम्र हर पल साथ रहने वाले लोग भी समझ नहीं पाते, क्योंकि संत बुद्धि से समझे नहीं जाते, वो भाव से, प्रेम से हर पल कृपा बरसाते रहते हैं, जीवों के ऊपर तेज नज़र रख के देखते रहते हैं, जो जीव उन्हें पार लगाना हो, जिसके ऊपर कृपा करनी हो, वो किसी के अंदर भेद नहीं करते। लेकिन कुछ शिष्य समझते हैं कि संत भेद करते हैं, लेकिन वो भेद संतों के द्वारा नहीं होता, वो जीवों के, शिष्यों के भाव, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, शरणागति, जुड़ाव, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। जिसका जितना ज़्यादा भाव होगा, शिष्य समझते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा भाव है, उनके अंदर कम है,
लेकिन ये भाव, ये वो ऊपर बैठा परमात्मा वही देख सकते हैं, वही पहचान सकते हैं, वही पता कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण गुरु तो इस जगत के वही हैं। उनके अलावा ना कोई गुरु था, ना है, ना हो सकता। इस शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी कृपा के बिना, उनकी दया के बिना, जब तक वो किसी को कुछ ना दे, वो स्वयं जीव को तैयार ना करे और गुरुपद प्रदान ना करे, कोई भी अपने आप गुरु पैदा नहीं होता, अपने आप गुरु पद नहीं मिलता। वहां तक समय पहुंच भी गया, दूसरे को ले जाना आसान नहीं होता। और जब तक दूसरे को नहीं ले जाया जा सकता, गुरु नहीं है। सिद्ध हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, अवतार पद भी मिल सकता है, लेकिन जब तक दूसरे का, जीवों का मोक्ष नहीं करा सकते, वहाँ तक ले करके उनको नहीं जा सकते, तब तक गुरु नहीं हो सकते। और जो सत्य का मार्ग जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिखाया है, जिसके ऊपर हर जीव प्रयास करता है अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारों के अनुसार, लेकिन गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। हमने बहुत नज़दीक से देखा है, गुरु इस संसार के अंदर कल्याण के लिए ही आते हैं। बहुत से संत ऐसे हुए जिन्होंने शरीरधारी गुरु धारण नहीं किए, लेकिन गुरु तो उनके भी हैं। गुरु के बिना कल्याण संभव नहीं होता, गुरु के बिना आप वहाँ तक नहीं जा सकते। गुरु का इतना ही महत्व है जितना नदी पार करने के लिए पुल का महत्व होता है, जितना इस शरीर में आपके लिए आत्मा का महत्व होता है, उतना ही गुरु का महत्व होता है। इस संसार के अंदर अनेकों गुरु हुए जिन्होंने अपनी अपनी तरह से मार्ग दिखाए, कल्याण के जीव जगाए, किसी भी प्रकार से अनेकों रास्ते बनाए, जो जहाँ से प्रयास कर रहे थे उसी मार्ग से चलाते चले गए। लेकिन गुरु के जो वचनों के ऊपर चले, जो गुरु के दिखाए मार्ग पर चले, मन मर्जी के मार्ग को छोड़ करके, जो गुरु के वचन के ऊपर रुक गए, आज संसार जहां उनका नाम दिख जाए वहां भी नतमस्तक हो जाता है, उनके गुणगान गाते हुए नहीं थकता। ऐसा क्या अलग किया उन लोगों ने, ऐसा कैसा जीवन जिया उन लोगों ने कि अपने जीवन को ही दैविक बना दिया, जीते जी देवता बन गए,
देव रूप हो गए। उन्होंने केवल गुरु का सुमरण किया, ध्यान किया, उन्हीं के ऊपर रुक गए। सब शास्त्र जो भी उठाओगे, किसी भी धर्म की कोई भी शास्त्र, कोई भी पुस्तक, हर पुस्तकों में गुरु के गुणगान भरे पड़े हैं। लेकिन हम गुणगान जानते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए अंदर तक नहीं उतर पाते। कुछ लोग जो प्रयास करते हैं वो मात्र गुरु के शरीर तक रह जाते हैं, शब्द तक नहीं जा पाते। जो शब्द की गहराई तक नहीं जा पाते वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे शास्त्रों ने एक एक चीज खोल खोल के समझाई है, जीवों को जीने की कला सिखाई है, जीवन के मार्ग दिखाए हैं, प्रत्येक जीव के ऊपर कृपा की है। जीव जब चलने का प्रयास करता है, दौड़ने का प्रयास करता है, उड़ने का प्रयास करता है, जितनी ज्यादा मेहनत करता है, परमात्मा उसको उसी के अनुसार, लगन के अनुसार, भाव के अनुसार और उसके पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको जोड़ करके गुरु प्रदान कर देते हैं। अगर कोई और ज़्यादा लगन चढ़ जाए और गुरु समर्थ ना हो तो आप कितना भी प्रयास कर लो कि मैं गुरु को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, लेकिन अगर गुरु समर्थ नहीं है, परमात्मा उससे अगर भाव है, विश्वास है उस परमात्मा के ऊपर, लगन है, मन के अंदर शंका भाव नहीं है, दृढ़ संकल्प है, फिर भी उठा करके पूर्ण गुरु के पास भेज देते हैं। अगर हम पूर्ण गुरु के पास पहुंचने के बाद भी वहां रुक नहीं पाते, साधना नहीं कर पाते और दूर हो जाते हैं, फिर बात अगले जन्म के ऊपर चली जाती है और ये जन्म जन्मांतर का खेल चलता रहता है। जब आप की दृष्टि खुलेगी तब पता चलेगा किस जन्म में कौन सा कर्म किया, कौन सा वेश धारण किया, कौन से नियम का पालन किया, कैसे रहे, कितना संयम किया, कितनी तपस्या की, गृहस्थी थे या वानप्रस्थी थे, सब एक एक करके जन्म दिखाई देते हैं। जब आप और पीछे जाते जाओगे, ढूंढते जाओगे, रहस्य खुलते जाएंगे, वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। जितना वैराग्य बढ़ेगा परमात्मा के प्रति प्रेम साथ साथ बढ़ता जाएगा। जितना आप नाम का सुमरण करोगे उतना ही आप रूप के नजदीक चले जाओगे।
क्योंकि नाम और रूप का खेल और जुड़ाव इतना मजबूत है। आप किसी भी पशु पक्षी वस्तु व्यक्ति स्थान जब भी किसी के पास नाम लोगे कुछ भी एकदम से उसी का रूप ध्यान आएगा। कोई भी अगर आप वहाँ गए हो तो उस वस्तु व्यक्ति को जानते हो तो एकदम से उसी का ध्यान जाएगा और रूप नज़र आएगा मन ही मन। अगर आपने उनको नहीं देखा नहीं गए नहीं जाना तो आप कल्पना करने लगोगे कि ऐसा स्थान होगा ऐसे लोग होंगे, कल्पनाएं करने लगोगे और विचारों में सोचने लगोगे। तो ये नाम और रूप के तालमेल का पता चलता है। जितना नाम मजबूत होगा रूप के ऊपर उतनी ही पकड़ होगी, जितनी रूप के ऊपर पकड़ होगी शब्द उतना ही खुलता चला जाएगा। और जब शब्द और गुरु हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे फिर तो आदेश आने लगेंगे ऊपर से और उसी के अनुसार कार्य होने लगेगा। आपको गुरु की ताकत का अंदाजा होने लगेगा, समझ में आने लगेंगे वचन और उसी के अनुसार फिर आपका जीवन रास्ते के ऊपर परमात्मा के मार्ग पर चलने लगेगा। लेकिन ध्यान नहीं कर पाते, शंकाएं बढ़ जाती हैं, अनेकों विचार उत्पन्न हो जाते हैं, भाव कमजोर होने लगता है, शरीर को गुरु मान लेते हैं, शरीर को सब कुछ मान लेते हैं और फिर शरीर को ही देख करके हम अच्छा बुरा समझने लगते हैं। लेकिन गुरु कभी शरीर नहीं हो सकता, माध्यम हो सकता है। समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर गुरु नहीं होता। गुरु वो नूरी तत्व होता है जो शरीर के अंदर विराजमान होता है, जो स्वयं रूप धारण करके विचरता रहता है, शब्दों को निकालता रहता है, वचनों का इस संसार के अंदर शिष्यों के ऊपर बहुत महत्व होता है। गुरु के शब्द के अंदर इतनी ताकत और इतनी अक्षमता होती है, जो वो बोल देते हैं वो कार्य रुकता नहीं है, चाहे वो सांसारिक कार्य हो चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक, आध्यात्मिक हो या ब्रह्मांडों से परे का कोई भी कार्य हो, वो प्रकृति उस कार्य को करने के लिए अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन कुछ लोग गुरु के वचनों को डिब्बों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, सीमित करने का प्रयास करते हैं, दायरा बनाते हैं, मन माने सरलार्थ निकाल करके अर्थ बदलने का प्रयास करते हैं और मन माने आचरण के ऊपर चलने लगते हैं,
आचरण सिद्धों जैसा करते हैं, बातें सिद्धों जैसी करते हैं, और उनका ध्यान देखो एक घंटे भी नहीं बैठ पाते। जो जीव इतना भी नहीं कर पाते, इतना भी केवल कुछ पल नहीं रट पाते, और वो सोचते हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा कार्य तो बस यहाँ आने तक का था, गुरु के पास पहुँचना था, लेकिन भजन नहीं करेंगे, केवल मात्र शरीर तक पहुँचने के लिए, सेवा के लिए जितना भी आप कदमों से चलोगे, अगर आपने किसी जन्म में पैरों से कुछ गलत किया है वो पाप कटने लगेंगे, अगर आप हाथों से सेवा करोगे तो हाथों से जो आपने गलत काम किए हैं वो कटने लगेंगे, अगर आप मन से सत्संग सुनोगे और करोगे और परमात्मा के नाम का प्रचार करोगे, उसका नाम का संसार में जगाने का प्रयत्न करोगे, तो आपने जो मन से किए गए बुरे कर्म हैं वो कटने लगेंगे। कर्मों के कटने का कोई दूसरा साधन नहीं है, एक कर्म से दूसरा कर्म नहीं काटा जा सकता, केवल मात्र सेवा सुमरण नाम और परमात्मा की शरणागति, इसी से एक एक कर्म को तोड़ा जा सकता है। इस संसार के अंदर गुरु शब्द का बहुत महत्व सदा से रहा है, चाहे कोई भी मजहब हो, पंथ हो, धर्म हो, समाज हो, संसार हो, आध्यात्म हो, कोई भी स्थान हो, बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है। लेकिन जब वचनों के अंदर चलते हैं, ना काल कुछ बिगाड़ पाता है, ना माया कुछ बिगाड़ पाती है, न संसार कुछ बिगाड़ पाता है, और आप मोक्ष के मार्ग पर चलने लगते हैं, मोक्ष के रास्ते खुलने लगते हैं, और वो ऐसा मार्ग है जिसके ऊपर आप चलना शुरू कर दोगे, फिर दूसरे मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा का मार्ग इतना आसानी से नहीं मिलता। लेकिन जब उसके ऊपर कदम बढ़ गए, कुछ लोग गालियां भी देंगे, मूर्ख भी बताएंगे, ताने भी देंगे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर रोक टोक भी होगी, लेकिन अगर हम वहां नहीं रुके फिर और बड़ी मुसीबतें आएंगी, फिर हम वहां भी नहीं रुके तो फिर लालच प्रदान किए जाएंगे, भिन्न भिन्न धन के, ऐश्वर्य के, वहां भी नहीं रुके
तो फिर समझो मार्ग खुलना शुरू हो गया और उस परमात्मा के नजदीक जाने लगे और वहां अनंत अनंत भंडार हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां सांसारिक भोजन की आवश्यकता नहीं है, सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। ये संसार के खाद्य पदार्थ भोग वस्तुएं वहां किसी काम की नहीं होती, वहां केवल मात्र नाम का सुमरण होता है और नाम के बिना वहां चढ़ाई नहीं हो पाती। जो जितना वचनों के अंदर रहता है, ये तो हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, आप सुनते भी रहते हो, बोलते भी रहते हो, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ये। मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, जो हमारे संतों ने बोला ये वही सब कुछ ज्ञान है जो मेरे गुरु ने दिया, वही ज्ञान है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। राम कृष्ण ते कौन बड़े, तीने भी तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। इस संसार के अंदर राम और कृष्ण से ऊपर अवतार ही नहीं हुए, इन्होंने भी गुरु के सामने नतमस्तक हुए, गुरु वचन में रहे, गुरु आज्ञा का पालन किया, गुरु के दिखाए मार्ग के ऊपर चले, तभी ये आज संसार के अंदर पूजनीय हैं और पूजा की जाती है, ध्यान किया जाता है इनका, लीलाओं का गुणगान करके पार उतरा जाता है। सबरी एक शब्द के ऊपर अटक गई कि यहाँ श्री राम आएंगे, गुरु ने बोला और निकल गए, बहुत समय लगा दिया, कोई शिकायत नहीं हुई, कभी कोई शंका नहीं हुई गुरु के शब्द के अंदर, कभी विचार पैदा नहीं हुआ, कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं मर गई तो कैसे मिलेंगे मुझे परमात्मा। बस गुरु के शब्द के ऊपर रुक गई और समय इतना निकल गया, लेकिन कभी एक बार भी मन के अंदर आया हो विचार कि कहीं गुरु ऐसे ही बोल करके तो नहीं निकल चले, कहीं राम न आए तो, सवाल ही नहीं था कि गुरु ने बोल दिया और निकल गए। अब भी एक महात्मा हरिद्वार के पास जंगल में हम ध्यान के अंदर मिले थे, हैं अब भी, एक कंदरा के अंदर, उनके गुरु ये बोल करके निकल गए, पूर्ण नहीं थे, साधना करनी आती थी, साधना से शरीर छोड़ना तो आता था, वापिस आना नहीं आता था। साधना से ये बोल करके निकल गए
मेरे शरीर की रक्षा करते रहना, मैं वापिस आऊँगा। लंबा समय हो गया, जो बैठे हैं उनकी आयु भी 325 के करीब हो चुकी है। वो अपने गुरु के शब्द के ऊपर वहाँ बैठे हुए हैं कि गुरु कब आएंगे और मेरा कल्याण करेंगे। शरीर नहीं छूटा, बुढ़ापा भी नहीं सता रहा, ऐसा भी नहीं शरीर का कोई अंग काम ना करता हो, ऐसा भी नहीं किसी चीज़ की कमी हो, ऐसा भी नहीं कि चला न जाता हो। उसी शब्द के ऊपर रुक गए। जो शब्दों के अंदर ताकत होती है, जो वचन के अंदर ताकत होती है, वो जीव को एक शब्द के अंदर ही तार देते हैं। इतिहास के अंदर किसी भी संत को देख लीजिए, उन्होंने जो बोला, जो रास्ता दिखाया, जहाँ परीक्षा ली, गुरु की चाल अटपटी, झटपट लखे न कोए, जो कोई झटपट लखे चटपट दर्शन होए। लेकिन जो बोलते हैं वहीं शंका पैदा हो जाती है। छोटी छोटी वस्तुओं के अंदर भी किंतु परंतु हो जाता है, तो साधना कैसे आरंभ होगी, हमारी चढ़ाई कैसे होगी? क्योंकि जहां हम खड़े हैं, जो हमारा आधार है, जिस आधार के ऊपर हम चल रहे हैं, जिस हाथ को हम पकड़े हुए हैं, हम उसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, वहीं शंका पैदा हो जाती है। तो ये तो जिस प्रकार से टूटे हुए पात्र के अंदर जल भर दिया जाता है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है और वो पात्र खाली हो जाता है, उसी प्रकार से जो आप संचय करते हो पुण्य के द्वारा, सुमरण के द्वारा, नाम के द्वारा, वो धीरे धीरे खाली होता चला जाता है। क्योंकि केवल राम राम करने से ना तो कष्ट मिटते, ना ही परमात्मा की प्राप्ति होती। ये भाव का खेल होता है, श्रद्धा का खेल होता है, कृपा का खेल होता है, शरणागति का खेल होता है और नाम का खेल होता है। जब शरणागति होती है तो कृपा बरसने लगती है, शंकाएं मिटने लगती हैं। जितनी शंकाएं कम होंगी उतना ही आप परमात्मा के नज़दीक जाओगे। जितने संकल्प मजबूत होंगे आप उतना ही परमात्मा की ओर बढ़ोगे। कोई भी परिस्थिति हो, जिसको उसके मार्ग पर चलना है, वो ये विचार नहीं करता अभी तो युवा अवस्था है, अभी तो बच्चा हूँ, अभी तो काम लगा हुआ हूँ, अभी तो परिवार है, ये विचार नहीं उठते। हमारे महात्मा एक दादू जी हुए,
घोड़े के ऊपर जा रहा रज्जब शादी के लिए, प्रेम करता था लड़की से, और दूल्हा बन गया। जब बिल्कुल नज़दीक जा चुका लड़की के घर के, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, बैंड बाजा बारात साथ साथ में, एकदम से दादू घुसा सब के लोगों के बीच से, और देखा रज्जब को, आंखों में आंख मिली। पिछले जन्म का प्रभाव था, पिछले जन्म का जीव था, और पिछले जन्म में वचन दिया था कि डूबने नहीं देंगे, कल्याण कर देंगे। वही वचन उठा ले आया और दो शब्द ही बोले थे, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। बस इतना बोला था और कुछ भी नहीं। रज्जब ने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा कल्याण नहीं कर सकता। कोई शंका नहीं थी कि ये तो कुरान को भी नहीं जानता, ये तो नियम भी नहीं जानता, इसने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, इसने कभी रोजे भी नहीं रखे, कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं। बस घोड़े से कूदा, मोड़ उतार करके फेंका, बारात छोड़ी और चल दिया पीछे पीछे, और सब कुछ समर्पण कर दिया, लौट के नहीं आया कभी भी। जब दादू ने शरीर छोड़ दिया, चले गए परलोक को, आंखें बंद कर ली, सब ने बहुत समझाया कि आंखें बंद क्यों किए हो, कम से कम आंखें तो खुली रखो। रज्जब ने कहा, देखने के लिए जो था, जिसको देखना था उनको देख लिया, इन आंखों को जो लाभ मिलना था वो मिल चुका, अब मुझे किसी को इस संसार के अंदर नहीं देखना। जब तक रज्जब की सांस चली, आंखें नहीं खोली, गुरु का जो दर्शन किया उसके बाद वही रूप हृदय में उतार लिया, और किसी दूसरे रूप को नज़दीक भी नहीं आने दिया। वो परमात्मा नहीं पूछता ऊपर जाने के बाद कि तुमने मुसलमान हो यहाँ कैसे आए, वो नहीं मानता इन चीज़ों को, उसका रास्ता अलग है, वो खेल अलग है, वो ताकत अलग है। अगर उसकी नज़र में भेद होता तो वो इनको बनाना ही बंद कर देता, क्यों पैदा करता वो इनको, उसकी नज़र में बस इंसान है, जीव हैं, आत्माएं हैं, और सब के सब फैसले कर्म के आधार के ऊपर होते हैं, भाव के आधार के ऊपर होते हैं, प्रेम के आधार के ऊपर होते हैं, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं होता, और प्रेम के बिना वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। इस संसार के अंदर सिखों के ग्रंथ के अंदर भी लिखा गया गुरु प्रसादी, इस शब्द का प्रयोग आता है, एक ओंकार सतनाम
अकाल मूरत निर्भय तू गुरु प्रसादी कि परमात्मा जो होता है, नाम जो होता है, वो अनंत जो होता है, वो परम पुरुष जो होता है, पूर्ण पुरुष जो मिलता है, उस परमात्मा की जो कृपा बरसती है वो गुरु के कारण बरसती है। गुरु के बिना इस संसार के अंदर कोई जगाने वाला नहीं है। इस सोए हुए जीव को, सोई हुई आत्मा को कोई नहीं जगा सकता। जब शंकाएं पैदा होती हैं, आप काकभूषणी के जीवन को देख लीजिए, क्या हुआ उनके साथ। बहुत तपस्या की थी, साधना में रत थे, साधना चल रही थी, लेकिन गुरु का अपमान हुआ। मात्र इतना कि खड़े नहीं हुए, शिव के शिवलिंग के आगे बैठे रहे और पता होते हुए भी कि गुरु आ चुके हैं, स्वयं शिव ने उनको श्राप दे दिया। लेकिन गुरु के कारण से जन्म देने को लगे, लोमेश ऋषि की कृपा से आज वो कौवे की योनि के अंदर होते हुए भी उन्होंने गरुड़ जैसे पक्षी को ज्ञान दिया। क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, उससे पहले वो मानव के चोले के अंदर थे जब लोमेश ऋषि ने ज्ञान कराया था, अब भी वो वास करते हैं। और जो उन्होंने पाया वो स्मृति गई नहीं, सब की सब वस्तुएं, सब घटनाएं, लाखों जन्म उनको ज्यों के त्यों याद हैं। और ये बस उसी की कृपा है कि ऐसी योनि के अंदर होने के बाद भी इतनी कृपा, इतना सब होने के बाद भी जीव को कैसे जगाया ये गुरु ही जानते हैं। कबीरदास जी ने तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, पुकार पुकार करके कहा है। और लोग कहते हैं कि कबीर दास जी के कोई गुरु नहीं थे, वो पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे मिला दिया। ये उन संतों का खेल है जिन्होंने अपने गुरु को पाया। दादू बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, संगत बैठी हुई थी। दादू ने पूछा, क्या किसी ने संतों के दर्शन किए हैं? सब चुप बैठे हुए, हर रोज पूछते थे। एक दिन एक बुजुर्ग 100 वर्ष के करीब आयु खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने किए हैं महाराज, मैंने संतों के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि किन संतों के दर्शन किए हैं? उन्होंने कहा, मेरे परदादा कबीर जी के शिष्य थे, वो उनके पास जाते थे, तब मुझे
साथ में उंगली पकड़ करके ले करके जाते थे। तब मैंने कबीर जी के दर्शन किए थे, उन्होंने कहा जल लेकर के आओ। इन आँखों ने कबीर जी के दर्शन किए हैं, संतों के दर्शन किए हैं, उन्होंने उनकी आँखें धोई और पी गए उस जल को। लोगों ने बोला अरे ये तो गृहस्थी बूढ़ा है, तुम क्या कर रहे हो, कहीं पगला तो नहीं गए। उन्होंने कहा इन आँखों ने संतों के दर्शन किए हैं, वो आँखें इतना लंबा समय हो गया, मुझे आज तक ऐसी आँखें दिखाई नहीं दी जिन्होंने संतों के दर्शन किए हों। कितनी ताकतवर भाव होगा वो, कितना प्रेम होगा जो उमड़ उमड़ करके आ रहा था, कि मात्र दर्शन करने वाले के जब इतनी कृपा होती है तो जिन्होंने संतों को पा लिया, जो संतों के वचनों के ऊपर चले, जो उनके शब्द के अंदर रहे, कितना महत्व होगा जीवन का। एक जीव अपने पास आते हैं, ध्यान के अंदर बैठा हुआ, उन्होंने कहा कि हम ऊपर चले गए ध्यान में बैठे हुए। तो ध्यान में धर्मराज दिखाई दिए, दरबार लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, लाइन लगी हुई थी लंबी, एकदम से उसके सामने ले करके गए और धर्मराज कर्मों का न्याय कर रहे। जब कर्मों का न्याय चल रहा तो धर्मराज ने मेरी ओर देखा और कहा कि अगर कोई कुछ सत्संग तुम्हें प्रदान कर दे, उसका पुण्य प्रदान कर दे कुछ पल का, तो जो आज का तुम्हारा कर्म है वो टूट जाए और तुम बच जाओगे। कि मैंने जो नाम दिया था उसको रटना शुरू किया और याद किया रूप को, गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पल विसरावे नहीं जब वो होए अधीर। तो एक पल लगता है चढ़ाई होने में, क्योंकि आना जाना शरीर का नहीं होता, आना जाना सुरती का और आत्मा का होता है। वो आत्मा वहाँ पहुँची, शब्द वहाँ प्रकट हुआ और जो बोला था वो काम हो गया और वो वापस आया और भागता हुआ आया मिलने के लिए कि ये घटनाएं हुई। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, देख लो तुम, तुम्हारे साथ हुआ है। इस प्रकार की जब घटनाएं होने लगती हैं जीव के साथ, जब खेल शुरू होते हैं, तब पता चलता है कि सत्संग का कितना महत्व होता है, नाम की कितनी ताकत होती है, नाम में कितनी अक्षमता होती है, गुरु की क्या चढ़ाई होती है, क्या स्थिति होती है। नित्यानंद ने तो दादू के बोले हुए एक एक वचन के ऊपर मोहर लगा दी, कहाँ दादू हुए कि समय के ऊपर, कब कबीर हुए और कब नित्यानंद हुए। उन्होंने तो सीधा बोल दिया, अमरपुरी के चौक में दादू का निशान, नित्यानंद देखी कहे समझे संत सुजान। कि मैंने
आँखों से देखा है उनको, उस निशान को, दादू की चढ़ाई को। जो ये समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई कोई ही होगा। पुकार पुकार करके बोला है, इस संसार के अंदर गुरु तेग बहादुर की जब पहचान हुई, कोई नहीं जानता था कि आने वाले गुरु यही हैं। माखन मल्ला ने पुकारा, पहचान हो गई। माखन मल्ला ने समुंदर के अंदर जब जहाज लहरों में डूबने लगा, कहा इस संसार के अंदर जो समर्थ गुरु हैं वो आए और मेरी रक्षा करें। जहाज लहरों से पार हो गया। उन्होंने कुछ असरफियां बोली कि मैं ये समर्थ गुरु तक पहुंचा दूंगा। अब ये समझ में नहीं आए कि देख इसको सबको बांटता हुआ घूम रहा। कुछ बची हुई थी, किसी ने उन्हें पूछा किसी से कि कोई और भी बचा हुआ है क्या, कोई महात्मा जिसको बांट दे। यही तो करना होता है सबको कि जब समर्थ ना मिले तो सबको बांट दो। पूछा, उन्होंने कहा वहाँ एक तेग बहादुर और है, उनसे और मिल लो, उनको और दे दो कुछ। उन्होंने जो ही पोटली रखी हाथ पकड़ लिया कि इतना तो नहीं बोला था, बाकी कहाँ है। तभी उन्होंने पहचान करा दी कि समर्थ तो ये हैं। ले करके आया, चढ़ा दिया सब कुछ चरणों के अंदर, क्योंकि पता चल गया कि कल्याण यहीं से होगा जीव का, और अमर नाम है आज। तो इस प्रकार से संसार के अंदर गुरु जीवों को जगाने के लिए, जीवों को शिक्षा और संदेश देने के लिए, जीवों के ऊपर दया मेहर करने के लिए उन्हें किसी न किसी माध्यम से, चाहे तेज बोल करके, प्यार से, डांट से, फटकार से, किसी भी प्रकार से रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपने देखा भी होगा संसार के अंदर जो पूर्ण संत हुए हैं, कुछ गृहस्थी भी हुए, लेकिन उनके जो पुत्र थे बहुत कम ऐसे हुए जो ज्ञान के नज़दीक तक पहुंच पाए। लेकिन जो उनके शिष्य थे वो पूर्ण हुए, क्योंकि कुछ लोग बहुत नज़दीक होने के बाद भी बहुत दूर होते हैं, और कुछ लोग, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं, ये संबंध अलग प्रकार का होता है। पिता पुत्र का जो संबंध होता है वो कुछ जन्मों का होता है, वो कर्जा चुकाने के लिए आते हैं, लेन देन होता है, अपना कर्जा चुकाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो शरीर का संबंध नहीं होता, वो संबंध मन का भी नहीं होता, वो संबंध बुद्धि का भी नहीं होता, वो संबंध हृदय और आत्मा का होता है। जब आत्मा का संबंध होता है फिर कहीं आने जाने का रास्ता नहीं रहता,
पिता पुत्र का संबंध तो बस मात्र इस जन्म तक रहेगा, अगर कुछ फिर लेन देन बाकी होगा तो कभी वो पिता बन जाएगा, कभी वो पुत्र बन जाएगा। और जिनको ज्ञान हो जाता है वो वापिस आते नहीं हैं, अपना लेन देन इसी जन्म में निपटा करके निकल लेते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो सदा सदा का होता है, वो आत्माएं साथ रहती हैं। गुरु पुष्प चुन करके वहाँ उनके चरणों तक ले करके जाता है और वहाँ समर्पण कर देता है, वो जीव वहीं का हो जाता है और सदा सदा का साथ जुड़ जाता है, सदा सदा का अपनापन हो जाता है और सदा के लिए वहीं रहना होता है, ना आना रहता है न जाना रहता है, न पाना शेष रहता है न खोना शेष रहता है, न कुछ अपनापन रहता है न कुछ बेगाना रहता है, और बिल्कुल आज़ाद वो उड़ने लगता है। वहाँ किसी प्रकार का गम नहीं है, न किसी प्रकार की खुशी है, न किसी प्रकार का भय है, न अंधेरा है न प्रकाश है। तेज पुंज के शरीर हैं और प्रकाशमान तेजस्वी जो शरीर हैं अपने शरीरों का ही नूरी प्रकाश है। इतना ऊंचा खेल वो है, लोक लोकांतर से परे जब ये जीव निकलने लगता है अलग ही एहसास होता है। लेकिन बिना गुरु के बिना उसकी कृपा के पहुंच नहीं सकते। किसी भी प्रकार से प्रयास करो लेकिन बिना गुरु के आप सोचते हो उड़ जाओगे, वो तोते की तरह से रटने वाली बात है, चाहे पूरी उम्र रटते रहो। लेकिन गुरु जब परीक्षा लेते हैं, आप तो ये सोचते होंगे कि मेरा तो शरीरधारी गुरु नहीं है, कैसे परीक्षा ली होगी और किस प्रकार से आदेश दिए होंगे, आप तो अपनी मर्जी से चले होंगे, मर्जी से सारे काम किए होंगे और सब मर्जी से चल रहा होगा। मेरा जो गुरु है एक पल भी मुझे अकेले नहीं छोड़ते, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालत में हो, किसी के भी साथ हो, किसी के भी दूर हो, वो अकेले मुझे नहीं छोड़ते, हर पल उनका साथ होता है, हर पल उनके आदेश आते रहते हैं, हर पल वो देखते रहते हैं, हर पल मुझे सिखाते रहते हैं। और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हम शिष्य ही रहेंगे। शिष्य का अर्थ होता है सीखने वाला, और जब गुरु सिखाता रहे हर एक कदम के ऊपर, उन्होंने हर तरह से डोर खींच करके देखी, चला करके देखा, तैयार करके देखा, प्रत्येक मार्ग से गुजार करके देखा, उस मार्ग से भी गुजार करके देखा। जब लोगों ने स्वयं बोल दिया कि अब तो ये कार्य नहीं करना चाहिए आपको, बहुत हो गया लोगों का भला, अब इसको रहने दो, बंद कर दो, वो समय भी जब कोई भी साथ न हो, स्वयं आकर के बोलते थे मैं हूं ना, क्या जरूरत है किसी की। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने बोल दिया कि बाहर जाना है, उन्होंने कहा खड़े हो चलते हैं, मैंने कहा नहीं अभी तो गनमैन आएंगे, उन्होंने कहा क्या जरूरत है मैं हूं ना,
मैंने कहा आप तो अकेले ही हो। उन्होंने कहा अच्छा दो बन जाते हैं, चार बन जाते हैं। हम ध्यान के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अब भी किसी की कमी है या और बन जाएं? मैंने कहा नहीं, आगे से सवाल नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे बहुत बार परिस्थितियां हुई कि उसने सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया हर पल, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। हर कदम के ऊपर चाहे हमने किसी भी प्रकार से चाल चली, लेकिन उसकी इच्छा के बिना हमने कदम तो दूर की बात है विचार तक पैदा नहीं किया। वो मुझे सिखाते चले गए, हम सीखते चले गए। बहुत जीव प्रयास करते रहते हैं सब तरह का, लेकिन हम उनकी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाते, क्योंकि मुझे पता है वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसा वो चाहते हैं हम तो मात्र कठपुतली हैं, हम तो मात्र उनके आदेश का पालन करते हैं। अगर आज भी उनका आदेश आ गया कि ये करना है, अगर आज उन्होंने बोल दिया कि सबको छोड़ करके चलो, हम चल देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो चाहते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो उन्होंने हमारे से करवाना है, जो मेरे से बुलवा रहे हैं, जो वचन हमें सिखा रहे हैं, जो शब्द वहाँ से आते हैं, जो कृपा वहाँ से बरसती है, जो प्रेम उनका है, जो जुड़ाव उनका है, जो वहाँ तक ले करके गए, जो हाथ पकड़ के उस पूर्ण पुरुष तक पहुँचा दिया, जिन्होंने सब कुछ कुछ अपना छिपा करके ही नहीं रखा, कुछ भेद ही नहीं छोड़ा, सब कुछ उनके, फिर अपना क्या है? अपना तो शेष कुछ बचता नहीं। उन्होंने जैसा भी रास्ता दिखाया, जो परिस्थितियों से उन्होंने सिखाया, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि वो मुझे हर पल सिखाते रहते हैं, मैं सीखता रहता हूँ। ऐसा कोई उन्होंने मार्ग नहीं छोड़ा। चाहे आप उस मार्ग से डरते हो, घबराते हो, भय हो, गिरने की स्थिति हो, उठने का चाव हो मन के अंदर, उड़ने का भाव हो, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा जो नहीं सिखाया हो, जिसका अनुभव नहीं कराया हो, जिसका सही और गलत का अनुभव ना कराया हो। आप लोगों के गुरु केवल मात्र उपदेश देते होंगे, आदेश देते होंगे, कुछ पल रखते होंगे आपको पास में, मिलते होंगे, इतना ही होगा। मेरे गुरु हर पल हर कदम, वो केवल मात्र ऐसा नहीं है कि बोल दिया मैं करूं या ना करूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया वो करना होता है, वहाँ किंतु और परंतु नहीं होती, न कोई शंका होती, न कोई विचार होता, वो तो बस परिस्थिति पैदा करते चले जाते हैं। और जो परिस्थितियों से सीखते हैं, जो शिक्षा मिलती है, जो अनुभव होता है, जो सार निकलता है, जो ज्ञान बाहर आता है, वो सीखते चले जाते हैं और उसका आगे वर्णन होता चला जाता है। क्योंकि कोई भी विषय वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई विषय रहे जिसकी जानकारी न हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो,
कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कभी कोई विषय उठता है तो हम अपने गुरु से पता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु समर्थ हैं और वो सब कुछ जानते हैं, सबके अंदर उनका वास है और सबके अंदर उनका विचरण होता है। जब भी कोई धरा के ऊपर आत्मा पवित्र होने लगती है, जो घटनाएं होने लगती है इस ब्रह्मांड के अंदर, आगे होने वाली घटनाएं तक पहले ही सब कुछ उनको पता होता है। और जो संदेश मेरे तक पहुंचाना होता है, जो आदेश देना होता है, बहुत से इस प्रकृति के ऐसे गुप्त कार्य, बहुत से ऐसे आध्यात्मिक जगत के कार्य जो उन्हें करवाने होते हैं, वो अपनी तरह से करवाते रहते हैं और अपनी तरह से हम तो मात्र कठपुतली हैं, करने धरने वाले तो वो हैं। इसीलिए मैं बिना सोचे बोल देता हूँ कि ये काम हो जाएगा। और आश्चर्य की बात है, आप लोग रिजल्ट भी देखते हो, वो काम हो जाते हैं। मेरे पास बैठे हुए थे, कल ही की बात है कि जी आपने उनका ये बोला था वो हो गया, उनका ये बोला था। मैंने कहा ये मैं नहीं बोलता, ये वो बोलते हैं, और मैं बोलने वाला नहीं हूँ, वो हैं बोलने वाले, और बोलने वाले भी और करने वाले भी वही करता है, वही करने वाले हैं, वही कारण हैं, वही परिस्थिति हैं और वही इस जगत ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके अलावा इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। उनके अलावा इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु अपना कार्य नहीं करती, ऐसा हमारे संत बोलते हैं, सिद्ध बोलते हैं, क्योंकि उनको उस स्थिति का अनुभव हो चुका होता है। उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु कण से लेकर के ब्रह्मांड तक सारी रचना को समझ लिया, सारे जगत को समझ लिया, सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों को, प्रकृति को समझ लिया। वो जानते हैं, वो कारण देख करके बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग बिना अनुभव के ऐसे ही बोल देते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा नहीं है। ये सिद्धों की संतों की वाणियां हैं, लेकिन मानव जन्म कर्म के लिए बना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। अगर कर्म प्रधान नहीं होता तो अर्जुन को क्यों बोलते वो कि उठा धनुष युद्ध कर, युद्ध करना तुम्हारा कार्य है, युद्ध कर, क्यों बोलते वो? उन्होंने कर्म का संदेश दिया, उन्होंने कर्म का उपदेश दिया। कितने ताकतवर होंगे भरे कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर खड़े हो करके जीव को जगा रहे हैं। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मैं तेरे शरणागत हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। सखा बन करके घूमते रहे, साथ खाते, साथ रहते, साथ खेलते, साथ सारे काम करते, साथ राज चलाते, सब साथ साथ काम हो रहे। लेकिन जब तक
अर्जुन शरणागति नहीं हुआ, कृष्ण ने कृपा नहीं की, ना मार्ग दिखाया, ना स्वरूप दिखाया, न अनुभव कराया, न प्राप्ति कराई, न कुछ भी किसी विषय के ऊपर। उन्होंने बस अपना तर्क दिया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, नहीं। लेकिन जब वो शरणागत आए, फिर आप सबको पता है उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, क्या क्या संदेश दिया, कैसे उन पर कृपा की। तो जब कृपा होती है, जीव का रूप निकलने लगता है, तेज प्रकट होने लगता है। कोई कितना बड़ा भी हो, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, अब मेरे पास एक ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके कि मुझे कल्याण का मार्ग दिखाइए, कि सब कुछ है, सब देख चुके संसार के अंदर, बहुत मेडल भी प्राप्त कर लिए, बहुत ऊंची पोस्ट तक भी पहुंच गए, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन गुरु नहीं मिले। प्रयास किया, गए बहुत जगह खोज के लिए, लेकिन नहीं मिले, संतुष्टि नहीं हुई। मैंने कहा फिर यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि आपकी शरण में आए हैं, आपका नाम सुना है। मैंने कहा आज तो ये काम नहीं आए आप? उन्होंने कहा नहीं, आप देख लीजिए, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, और ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा इसके लिए कैसे आ सकते हैं आप? उन्होंने कहा आप शुरुआत का रास्ता दिखाइए और मुझे शरण दीजिए और मेरे कल्याण का मार्ग खोलिए, क्योंकि परमात्मा के अंदर जो ताकत होती है, गुरु के अंदर जब परमात्मा का शब्द गूंजता है, जब गुरु के हृदय में वो परमात्मा वास करता है, इस संसार के अंदर कैसी भी ताकत हो, कोई भी हो, बिना उस नाम के, बिना उस ताकत के, बिना प्राप्ति के, कोई भी संसार के अंदर सुखी नहीं है। जितने भी संसार के अंदर जीव हैं, चाहे कितना कैसा भी जीव हो, सबको किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी पदार्थ का अभाव रहता ही है। लेकिन जब उसकी कृपा बरसती है, उसकी शरण में जाते हैं, उसके समर्पण हो जाते हैं, तो सब कुछ उन्हीं का हो जाता है। फिर इस संसार में खोने को, पाने को कुछ शेष नहीं रहता। तो जब आप सुमरण करेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा मार्ग होता है, कितनी कृपा बरसती है। तो आप भजन कीजिए, सुमरण कीजिए और अपने अपने गुरु का ध्यान कीजिए, क्योंकि वहीं से रास्ता खुलेगा और वहीं हमें पहुंचना है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारी मंजिल है, क्योंकि सब संतों का मार्ग एक ही होता है और एक ही रास्ता होता है, और वही सब संत ले करके जाते हैं। तो आप प्रयास कीजिए उस मार्ग पर चलने का। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम।